ज्यादा ना ज्यादा मत डालो। लाइव बारबेक्यू चिकन पानी निकाल के डालेगा तो अच्छा है बदम, क्यों नहीं तो बंद कर देगा। कोना कोना हाँ पानी निकालना पड़ेगा, पूरा फायर हो चुका है भाई अच्छे से। हाँ ये देखो हम लोग ओपन बनाते हैं बाहर, तो भाई ये बन रहा है यहाँ पर बारबेक्यू चिकन, और अभी आपको दिखाते हैं इसकी मेकिंग। आप लोग वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो जरूर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस ये वाला बन रहा है यहाँ पर चिकन बारबेक्यू, तो अभी आप देख रहे होंगे, अब इसमें डालेंगे मसाला। ये वाला है बारबेक्यू का मसाला, तेरा भाई ने खतरनाक बना रखा। ये बना रखा पदम भाई ने, क्या क्या डाला आपने इसे, क्या क्या डाला हैं जी? अच्छा उसके बाद, हाँ उसके बाद क्या डाला? उसके बाद मसाला डाला, गरम मसाला। अच्छा अच्छा और धनिया पाउडर। अच्छा चिल्ली पाउडर। अच्छा हाँ और कौन कौन सॉस? अच्छा अच्छा एचपी सॉस है। अच्छा ओस्टर सॉस, उसके बाद विनेगर, उसके बाद नमक, और उसके बाद इसको पूरा ग्राइंड करके इसको बनाना पड़ता है। और ये मसाला हो गया पूरा रेडी, आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बन रहा है यहाँ पर ये बारबेक्यू चिकन, ठीक है। गाइज अब आप लोग देख रहे होंगे हम यहां पर मसाले की मैरिनेशन करने लग गए हैं, और इस मसाले को हम अच्छी तरह से मैरिनेशन करेंगे। उसके बाद हम इसको जो है चिलर में रखेंगे 3 आवर, उसके बाद हम इसको वहां से निकाल के ओवन में डालेंगे। वहां पर हम इसको 180 टेम्परेचर में पकाने के रोस्ट करने के बाद इसको जो है 35 मिनट तक वहाँ पर रखेंगे। उसके बाद इसको चारकोल के ऊपर ग्रिल में डालेंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो भाई ये बन रहा है यहाँ पर बारबेक्यू चिकन, और अभी आपको दिखाते हैं इसकी मेकिंग। आप लोग वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो जरूर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए। तो गाइस यहाँ पर बन रहा है बारबेक्यू चिकन, और अभी आप लोग देखेंगे यहाँ से ये जो हमने कोयला डाल के अभी फायर इसमें शुरू होगी, और अब पदम भाई डालेगा इसमें चिकन। और यहाँ पे जो है हम लोग इसको आउट ऑफ एरिया में बनाते हैं, क्योंकि इसमें आग लगने का डर होता है ज़्यादातर। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से इसको बनाना पड़ता है। ज़्यादा ना ज़्यादा मत डालो, लाइव बारबेक्यू चिकन। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लाइव बारबेक्यू चिकन, और इस प्रकार से बनता है कुछ इस प्रकार से, क्योंकि पहले जो आपने देखा हो वीडियो में पहले जो मसाला मिला के रखा था, और ये इस प्रकार से बन रहा है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपने इसमें ग्लव्स क्यों नहीं लगा रखे, क्योंकि हम लोग ये फायर वाली चीज़ है, इसमें ग्लव्स को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसमें ग्लव्स लगाएगा तो ये जो है ग्लव्स पूरा इसमें चिपक जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट ना करें कि आपने ग्लव्स क्यों नहीं लगा रखा, ठीक है। और तब तक मैं आपको कुछ यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये हमारा बाहर की एरिया है, और ये आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से है।
अब पदम भाई को यहाँ पर धुआं लगता हुआ, धुआं लग रहा है भाई तुमको, धुआं लग रहा है दिल भाई। और कैसे लग रहा है इसको, गांव की याद आ रही है इसको, देख के नहीं आ रही है मुर्गी भड़ा गांव में इसे ऐसे लग रहा है, इससे गांव में जंगली में जो मुर्गी होती है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं गांव में मुर्गी को लेके जाते हैं और वहीं जंगल में आग जलाने के बाद ऐसे करते। तो अब ये हो गया यहाँ पर रेडी, तो अब इसको डालेंगे सीधा इस कंटेनर में। इस प्रकार से निकालना पड़ता है। तो देख लो भाई लोगों, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमको बारबेक्यू में काम करना है, तो बारबेक्यू में इस प्रकार से काम होता है बहुत सारे जगह। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मसालेदार खुशबू, इसका जो है पूरा स्मोक फ्लेवर आ जाएगा इसमें। अभी और अब जाएगा इसमें फिर से दूसरा कंटेनर। ये टोटल जो है ये 12 कंटेनर है, 12-13 कंटेनर होता है, ये सब डालना पड़ता है। इसको आराम से डालना पड़ेगा इसको देख के। थोड़ा काला होना, थोड़ा तेल छिटो तो पानी निकाल के डालेगा तो अच्छा है पदम। हाँ क्यों नहीं, तो ये बंद कर देगा देख कोना कोना। हाँ पानी निकालना पड़ेगा, पूरा फायर हो चुका है भाई अच्छे से। हाँ ये देखो हम लोग ओपन बनाते हैं बाहर, इसलिए सब लोग, ये अपना स्टाफ है सब गाड़ी में, हाउसकीपिंग वाला अप डाउन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे भाई बारबेक्यू। ये देखो ये कंटेनर में डाला जाते है, रेडी हो चुका है अभी, ये खाने का लायक हो गया अभी। अभी एक रेडी हो गया, ऐसे एक 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 करके डालना पड़ता है, अभी दूसरा डालना पड़ता है। चले पदम को दो, बस
यहाँ पर जो है बारबेक्यू चिकन बन रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। तो अब इसको कोयला की पूरा, ये कोयला है नीचे से, कोयला के ऊपर हमने ऐसे ये लगा के यहाँ के सिस्टम है ये। तो इससे क्या होता है, ये पूरा चिकन जो है स्मोक हो जाता है, तो पूरा चिकन में जो है स्मोकी फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बहुत सारे लोग जो रूम पे रहते वो भी बाहर की तरफ आने लग गए, क्योंकि खुशबू इसने जा रही है इसकी, कि लोग को पहले पता चल रहा था कि यहाँ पर आप बारबेक्यू चिकन बन रहे हैं। और पदम भाई बोला कि यहाँ पर एक दारू की बोतल होनी चाहिए थी साथ में, लेकिन क्या करें, हम लोग तो दारू पीते नहीं है इसलिए दारू की बोतल जरूरत नहीं है। भाई लोग दारू पीने वाले वो बड़ा कमेंट करना जो दारू पीने वाले बोलो कमेंट करना कि आपको अगर तंदूरी चिकन या बारबेक्यू चिकन वगैरह चाहिए तो यहाँ पर इस प्रकार से बनता है, तो यहाँ से पदम भाई भेज देगा बोलो उनके लिए, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई, और आप लोग बोलते हैं कि भाई लोग विदेश में कैसा काम होता है, इस प्रकार से होता है, देखो आप लोग देख लो, ठीक है। बाकी आप लोगों की समझ में अगर वीडियो आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से शेयर कीजिए। और हमारे दाई भी है इधर लगा हुआ, लेकिन बाहर से धुआं जा रहा है इसलिए पूरा साफ नहीं, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चला थम्स अप दिखा दो, सो गाइस कुछ इस प्रकार से बनता है यहाँ पर बारबेक्यू चिकन। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।